मध्य प्रदेश सरकार की नए साल में पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल टीकमगढ़ में शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में पहले मंत्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि नए साल पर मध्य प्रदेश सरकार नई सौगात देने जा रही है। सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बुधवार को टीकमगढ़ से शुभारंभ होगा। कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। आने वाला कल गरीबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नया साल और नई सौगात। कल मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले में एक गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन की शुरुआत कल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल शुरुआत करेंगे और कल ही के दिन उस जिले के 10,500 परिवारों को भूखंड भी वितरित करेंगे। यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये वो वाकया है जब निवाड़ी के एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ही झोपड़ी के अंदर हम 10 परिवार के लोग रहते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर भूखंड नहीं है उनको कम से कम 600 वर्ग फीट के आसपास का एक प्लॉट उन गरीबों को रहने के लिए दिया जाएगा। मित्रों, कल का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा। मैं टीकमगढ़ में जब चुनाव प्रचार के लिए गया था पृथ्वीपुर विधानसभा में, टीकमगढ़ जिले में भी पृथ्वीपुर का कुछ हिस्सा आता है, एक गांव में रोक के कुछ लोगों ने इकट्ठे खड़े से रोका। मैं उतरा तो मैंने पूछा बताओ क्या बात है। तुमने समस्या बताई कि रहने की जगह नहीं है। फिर कब रह कहां रहे हो? उनका रह तो उसी में रहे घर में, लेकिन दादाजी के चार बेटे हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, फिर उनके चार चार हो गए। तो हालत ये है कि हम 50-50, 60-60 लोग इन जरा से मकान में रह रहे हैं। सोने की जगह नहीं है तो बारी बारी से सोते हैं। और तब हमने ये कल्पना की थी कि हम एक योजना लेके आएंगे जिसमें ऐसे भाई बहन गरीब, वो किसी भी वर्ग के हों, अगर रहने की जगह ही नहीं है परिवार बड़ा हो जाने के कारण, तो उनको रहने के लिए निःशुल्क हम प्लाट उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में।